हेलो माय कलरफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलर विद कस्तूरी। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बेसिक्स ऑफ वाटर कलर। अगर आप फर्स्ट डे वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक शीट में HB पेंसिल से इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल वॉश कैसे होता है। फ्रेंड्स, वाटर कलर में हम 80% वाटर यूज़ करते हैं और 20% कलर। इसमें आपको चाहिए राउंड ब्रशेस 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 नंबर के, कैमल के वाटर कलर, केक कलर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। एक बाउल में वाटर पानी ले लीजिए, ठीक है। देखिए, ये कैमल आर्टिस्ट स्टूडेंट वाटर कलर है, केक का इस तरह से रहता है। सबसे पहले अपने कलर को आप रेडी करिए। कलर रेडी करने के लिए सारे कलर में एक ड्रॉप या दो ड्रॉप वाटर डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये इससे क्या होगा, आपका कलर पहले थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा। अब देखिए, पूरे पेज को वॉश किए। वॉश करने के बाद थोड़ा सा कलर डालिए। देखिए, कलर अपने ही फ्लो करेगा और ब्रश है उसको आप पूरे कंट्रोल करिए। नेक्स्ट कलर, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन ले रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ग्रीन कलर में डाली। अब वो ऑटोमेटिकली पानी के साथ वॉश हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं थोड़ा सा कलर ले रही हूँ और बाकी पूरा वाटर से ये कलर को वॉश कर रही हूँ। तो वाटर कलर का मेन यही रहता है एस्पेक्ट कि उसमें कलर 20% आपको डालना है और पूरे वॉश करते हुए ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से मैं वाटर कलर का बेसिक सिखा रही हूँ आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और नए नए ड्राइंग्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए मेरे वीडियो को और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, इस तरह से आपके ब्रश में भी कुछ उसके हेयर्स निकलेंगे, तो इसे प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ना तो पेंटिंग में आ जाएंगे और पेंटिंग ख़राब कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।